आद्य परिहारम्भ। पूछा गया कि आपके अंदर एकाग्रता नहीं है या संशय है, किस कारण से आपके बात दिमाग में बैठ नहीं रही है कि आकाश और आत्मा भिन्न है, आकाश मिथ्या है, असद्रूप है, आत्मा सत्य है, सद्रूप है, ये बात क्यों नहीं बैठ रही आपके दिमाग में, क्या कारण है? दो ये संभावना है, आप शास्त्रों को सुनने के बाद विचारों पर ध्यान करके उसको अपना प्रज्ञा में स्थापित नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान ठीक नहीं हो रहा, अथवा अभी कुछ न संशय है सिद्धांत में, सुने तो है लेकिन अंदर ही अंदर संशय बैठा हुआ। एक दो कारण से व्यक्ति के अंदर कोई भी सिद्धांत मजबूती से बैठता नहीं। अब उन दोनों के परिहार बता रहे, अप्रमत्तो भव ध्यानात् आद्य निस्मिन् विवेचनम् कुरु प्रमाण युक्तिभ्याम् ततो रूढ़तमो भवे। आद्य पहली बात ध्यान नहीं हो रही है तो अप्रमत्तो भव ध्यान, ध्यान क्रिया में प्रमाद रहित होकर के लग जाओ। सिद्धांत में संशय नहीं है, ध्यान में कमी है तो उसकी पूरी करो। ध्यान में जो प्रमाद, जिस प्रमादों के कारण से, जिन दोषों के कारण, जिन कमियों के कारण से आप उस चिंतन निरंतर जो आकाश और आत्मा भिन्न है इस चीज की निरंतर वृत्ति बना नहीं पा रहे हो, इस विचार की वृत्ति की निरंतरता होना ही तो ध्यान है। प्रत्येकता ना ध्यान है, एक प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? आकाश और आत्मा भिन्न है, आकाश असत है, आत्मा सत है, अथवा आकाश मिथ्या है। असत माने तुच्छ नहीं है आकाश, किंतु मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। यह विचार बारंबार 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 मन में चलनी चाहिए लगता बैठा और वही विचार चल रहा चल रहा चल रहा। इसके लिए आवश्यक जितना प्रमाण युक्ति शास्त्र वगैरह को ला रहे हो और कहीं से टूटा तो फिर उसको लाओ चलाओ, इस तरह से लगातार चलने का नाम ध्यान है। इसमें सिद्धांत में संशय नहीं है आपको, क्योंकि विचार के लिए निरंतरी प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ आलस्य है, तंद्रा है, व्याधि है। योग सूत्र में 9 प्रकार के व्यवधान बता दिए, कितने? 9। व्याधि स्थान इत्यादि एक सूत्र लंबा था, इन 9 व्यवधानों के कारण से ध्यान नहीं हो पाते आदमी। विचार कर रहे थे इधर दर्द हो रहा करके उठा, अब इधर आगे दिमाग दो कहाँ विचार रह गया, विचार दिमाग इधर हो गया और विचार छूट गई, दर्द का विचार आ गया, व्याधि। इसलिए आसन सिद्ध करना पड़ता है, स्थान आलस, ऐसे खा लिया हो बस बैठे बैठे सो रहे, पाठ में सो जाते जैसे और ध्यान में भी सो जाते। हमारे गुरु जी मजाक करते थे, निद्रा समाधि स्थिति, गुरु जी मजाक करते थे, कहते आप अपने मन को और अंदर ले जाओ और अंदर जाओ, और यूँ कर रहा सर झुका करके जो है ठुड्डी को अंदर लग गया, अभी तो और अंदर जाओ, वो कह रहे महाराज और अंदर कहाँ जाएगा, ठुड्डी तो छाती में लग गया, ठुड्डी तो छाती में लग गया, वो अंदर कहाँ जाएगा। मन को अंदर ले जाने बोल रहे, ठुड्डी को जाती में लगाने बोल रहे, ऐसे अंदर नहीं जा रहा है ना। इसलिए यहां पर कहते देखो अप्रमत्तो भव ध्यान आद्य परिषद समस्या के लिए जब समाधान ये है, आप प्रमाद रहित हो जाइए अन्यस्मिन, और संशय है तो दूसरा समस्या क्या थी? संशय, उसमें विवेचन करो, विवेचन करो। कैसे विवेचन करो? प्रमाण युक्तिभ्याम, प्रमाणों से और युक्तियों से विवेचन करके संशय को काट दो। तो रूढ़तमो भवेत, ऐसे करने पर आपके बुद्धि में भी यह विचार जो बताया गया आकाश की मिथ्यात्व और आत्मा की सत्यत्व के भेद वगैरह वगैरह सारी बातें आपके बुद्धि में भी रूढ़तमो भवेत,
तुम कहते रूढ़ नहीं होगा, रूढ़ नहीं, रूढ़तर रूढ़तम हो जाएगा, ऐसा रूढ़ हो जाएगा कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे आकाश सत्य। जैसे इतना आपको पक्का है, आकाश को देखते हैं, बोलते ही व्यवहार में नील रूप है, लेकिन पूछने पर कहते आकाश में कोई रूप नहीं होता, दृढ़ है या नहीं है? ये पक्का है ना, हर आदमी को मालूम है आकाश में कोई रंग नहीं है, भले दिखाई देते नील गगनम, बोलने का भी नील रूप दिखाई देता है किंतु वास्तव में कोई रूप नहीं। जिस प्रकार से आकाश में नील रूप का दिखाई देने पर भी आपके अंदर दृढ़ आरूढ़ है बुद्धि में कि आकाश में कोई रूप नहीं होता, जब भी आंख खोलोगे तो नील रूप दिखता है, फिर भी आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, बुद्धि में आरूढ़ है या नहीं? उसी प्रकार से जगत मिथ्यात्व भी बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा। केवल प्रमाण और युक्ति से विवेचन करता, संशय को काट करके ध्यान के द्वारा उस वृत्ति का विचार को जो दृढ़ करना। आद्य मैंने प्रथमे विकल्पे, प्रथम विकल्प क्या था? अनैकाग्र्यात् उसके ध्यानात् तत्र प्रत्येकता ध्यान युक्त लक्षणात् अप्रमत्तो भव, सावधान मना भव, सावधान मन वाले हो जाए। द्वितीय परिहार महा अन्यस्मृति, द्वितीय समस्या क्या थी उसका? संशय के कारण से आरूढ़ नहीं हुआ है बुद्धि में, तो कत्त किम इतिताह, उससे आपकी बुद्धि में यह विचार आरूढ़ हो जाएगा। बुद्धि में विचार बैठ भी जाए तो क्या लाभ है? ततो भी किम इतिताह ध्यानात्मानाद्युक्तितोपि रूढ़े भेदे वियत सतोह न कदाचित वियत सत्यम सद्वस्तु छिद्रवण। ध्यानात मानाद युक्ति, तो ध्यान मान माने प्रमाण और युक्ति, इन तीन के द्वारा यदि आपने आकाश और सत्य का भेद को बुद्धि में रूढ़ कर लोगे, एक बार रूढ़ हो जाए तो कदाचित अपि फिर दोबारा कभी जिंदगी में वियत सत्यमिति न कभी नहीं बोलोगे आकाश सत्य है, और ये भी नहीं कहीं कभी कहोगे सद्वस्तु छिद्र वाला है, माने अवकाश रूपा जो धर्म आकाश का था वो सत्य में है, ऐसे कभी आरोप सत्य में अवकाश प्रदातृत्व रूपा धर्म का भी आप कभी आरोप नहीं करोगे। छिद्रता माने आकाश का धर्म है ना, छिद्र जैसा है, अवकाश प्रदान कर रहा है, आगे आने जाने की अवकाश दे रहा है, तो छिद्रता अवकाश प्रदातृत्व जो आकाश का धर्म है उसको कभी असत्य में आरोप नहीं करोगे, और सत्वता आत्मा का जो धर्म है क्या सत्यत्व, उसको भी आप आकाश में आरोप नहीं करोगे। सदा दिमा में रहेगा आकाश तीनों कालों में सत्य नहीं हो सकता, आकाश में क्या है, आकाश में सत्यत्व नहीं है, और सत्यभूता जो आत्मा में कभी छिद्रत्व अवकाश प्रदातृत्व मायकत्व आदि कोई भी धर्म नहीं हो सकता, ये आपके मस्तिष्क में निश्चित रूपेण आरूढ़ हो जाएगा। ध्यानम पूर्वोक्त लक्षण मानव ने भिन्ने वियत्सति शब्द भेदा बुद्धेश्च भेदतः, ये प्रमाण यही का 67वां श्लोक 67। युक्ति क्या था? यही के 68वें श्लोक में बताया, आप अभी 74वां पढ़ रहे हैं, 76 में बताया गया था, नहीं 67 में बताया गया था, और 68 में जो है बताया गया युक्ति, यद सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, सदस्य क्या है व्यापक है और आकाश व्यक्ति है, ये व्याप्य व्यापक क्या है युक्ति है, इनके द्वारा बता दिया गया था। ये तई ध्यानाद भी वियत सतोर भेदे चित्ते निरूढ़िं याते सति, इन ध्यान प्रमाण और युक्तियों के द्वारा आकाश और आत्मा का भेद आपके चित्त में निरूढ़ जब हो जाता है तब वियत इस आकाश को देखकर कभी भी आप कदाचित अपि न सत्यम किंतु सर्वदा मिथ्यैव अवभासते, निश्चय पूर्वक बोलोगे ये कभी सत्य नहीं हो सकता, ये सदा ही मिथ्या ही भासित हो रहा है। और इसी प्रकार सद्वस्तु अपि छिद्रवत अवकाशवत अवकाशवत न च नहीं भवति शेषः, और सद्वस्तु में भी आप कभी नहीं कहोगे ये अवकाश प्रदान करने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे विवेचन करने का फल क्या? ठीक है, मान लो हमने ध्यान किया, प्रमाण युक्ति से ना निश्चय कर लिया,
आकाश में क्या है, आत्मा सत्य है, से क्या लाभ है? ऐसे निश्चय करके जिंदगी लगा करके, दिमाग लगा करके ये जानने से लड्डू भी नहीं मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा? प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी, इस चिंतन का लाभ क्या है? जवाब देते हैं, जस्य भाति सदा व्योमान निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम सद्वस्त विभात्यस्य निश्चिद्रत्व पुरःसरम्। जस्य भाति सदा व्योम निस्तत्व लेख पूर्वक, जस्य जमने आत्मा, इस आत्मा को क्या भानोगा सदा? सदा भाति किम निस्तत्व लेख और व्योम भाति, आपको आकाश दिखाई देगा, लेकिन कैसे दिखाई देगा आकाश? निस्तत्व रूपा नाम मात्र रूपेण वाचारम्भ विकार नाम अधि मृतिका इतिव सत्यम, वैसे ही आपको होगा नाम रूपा तक के आकाश मिथ्या ही है, आत्मा ही सत्य है, यही आपके अंदर अनुभूति होगी। और सद्वस्तु अपि विभाति, और सद्वस्तु का भी ऐसे भान होगा, कैसे भान होगा? अस्य निश्चिद्रत्व पुरस्सरम्, छिद्रत्व मैंने अवकाश प्रदातित्व रहित विशुद्ध आत्मा का आपको अनुभव हो जाएगा, ये लाभ है विचार कर, चिंतन कर, वेचन कर, ध्यान से समाधि लग जाता है, इसी का चिंतन इसी पर समाधि लग जाता है तो यह आप अनुभूति हो जाएगी। सद वस्तु में निश्चित्रता की अनुभूति होगी और आकाश में निस्तत्वता की अनुभूति हो जाएगी, वह तत्व भाव रहित है आकाश और आत्मा ही तत्व भाव है। तत्व भावेन प्रसीदति परिषद में ना, तत्व भाव से प्रसिद्ध होती वियत मिथ्यात्म सदो वस्तु तंच सदा चिंतित किम भवती। यदि ये भी चिंतन होने लगे, इसमें समाधि लग भी जाए, वियत मिथ्यात्व और सत की वस्तुत्व तात्विकता का निरंतर चिंतन भी होने लग जाए तो उसे क्या लाभ होगा? इत्यतः वासनायां प्रवृद्धायां वियत सत्यत्ववादिनां सन्मात्रा बोधयुक्तंच दृष्टा विस्मयते बुधः। सन्मात्रा बोधयुक्तंच दृष्टा विस्मयते बुधः। वासनायं प्रवृद्धाय, आकाश की मिथ्यात्व और आत्मा की सत्यत्व की वासना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसको क्या कहते हैं? शास्त्र वासना का बढ़ना। तो दूसरा जो संसारी को देखकर आपको हंसी आएगी ना, अरे देखो क्या मूढ़ लोग सोच रहे हैं, आकाश को सत्य समझ रहे हैं ये लोग, है क्या न्यायिक लोग है, अपने आप बड़े बुद्धिमान मान लिए। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखकर आपको हंसी आ गई, क्या है भाई इतना वेदा सुना समझा और फिर यही गड़बड़ कर रहा। प्रवृत्ति में निष्ठा, जगत में निष्ठा, निवृत्ति के प्रति बिल्कुल उदासीनता, बहुत कठिन काम है ना। इसलिए कहते हैं ये जो आत्मसत्यत्व का और जगत की मिथ्यात्व की वासना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वासनायां प्रवृद्धायां वियत सत्यत्ववादिनां वादिनं दृष्ट्वा सन्मात्र बोधयुक्तं वियत सत्यवादिनं च दृष्ट्वा बुधः विस्मयते। सत माने सत्ता जाति से युक्त है, ऐसा मानते ना वो लोग, नहीं आए लोग। सन्मात्र बोधयुक्तम अथवा सन्मात्र का अबोधयुक्तम, सन्मात्र का उन्हें ज्ञान नहीं है और क्या मान रहे उल्टा, आकाश में सत्ता जाती रहती है। वियत सत्यत्ववादिनम नैयायिकादिकिनम, नैयायिकादि को देखा क्या होगा, अरे आकाश में सत्यत्व रूपी सत्यात्व क्या है, सत्ता जाति रूपेण विद्यमान है, ऐसे बोलने वालों को आप देख रहे हो। और कैसे है वो? सन्मात्र का अबोध है, केवल सत्य पृथक आकाश से पृथक, केवल सत्य मात्र का ज्ञान रहित हुआ उन लोगों को देख करके बुध विस्मयते। बुध जो हमारे वेदांत के ज्ञानी है, इनको बड़ा आश्चर्य होता है, देखो क्या ये लोग हैं,
अपने आप को विवेकशील मानते, तार्किक मानते, बड़े बुद्धिमान मानते, पंडितम मन्य माना, धनधर्म्य माना, पर्यंति मूढ़ा, कठोपनिषद में पंडितम मन्य माना, धनधर्म्य माना, पर्यंति मूढ़ा, ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया। अपने आप को पंडित मान रहे, फिर इस जगह से भटक रहे, भटक रहे, भटक रहे, भटक रहे, बार बार नजर लगा हुआ रहता है, ऐसे मूड है। इसलिए कहते हैं कि इनको देख करके आश्चर्य होता है हमारे वेदांत ज्ञानी को। बुधा वियत सतोह तत्ववेत्ता, आकाश और आत्मा की वास्तविक स्वरूपों का ज्ञाता वो बुध मान वेदांती, गगन से सत्यत्म ब्रुवाणम, वह वेदांती किनको देख करके आश्चर्यचकित होता है, जब आकाश में सत्यत्व कहने वालों को देख करके, और निरवकाश सद्वस्तु अबोध वस्तु अबोध, निरवकाश मैं अवकाश रूपी धर्म से रहित सद वस्तु का बोध रहित उस व्यक्ति को देखकर दृष्टवा विस्मयं प्राप्नोति, आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। सद वस्तु तत्व का बोध रहित है वो, अवकाश स्वभाव रहित गुण या धर्म रहित सत मैंने आत्मा के ज्ञान रहित लोग हैं, उन्हें देख करके आश्चर्य प्राप्त होता है ज्ञानी को। उक्त न्याय अन्यत्रापि, इसी युक्ति को अन्य मने वायु आदियों में भी अतिदेश कर, जैसा आकाश और आत्मा भिन्न है, आकाश में मिथ्यात्व तो, आत्मा में सत्यत्व तो, आकाश का धर्म सत्य रूप आत्मा में नहीं है, आत्मा का धर्म सत्यत्व तो, आकाश में वास्तव में नहीं है, इस बात को जिस प्रकार से आपने समझा है, समझाया गया है, उसी प्रकार से आगे वायु अग्नि जल पृथ्वी सभी में लागू करना है। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत सत्यत्वे च वासिते न्यायेन अनेन वायुवाधे सद्वस्तु प्रतिविविच्यताम् प्रविविच्यताम् न्यायेन अनेन वायुवादे सद्वस्तु प्रविविच्यताम् एवं आकाश मिथ्यात्व, इस प्रकार से आकाश मिथ्यात्व और सुदरूपी आत्मा में सत्यत्व की वासिते वासना को दृढ़ कर लो, पहले एक में पहले दृढ़ कर लो, बाकी में अपने आप हो जाएगा आसानी से। इसलिए वेदांत लोग एक ही दृष्टांत, लोग पूछते हैं कोई और दृष्टांत नहीं है संसार में, रज्जु सर्प शुक्ति रजत दो ही पकड़ दे, क्या वेदांत और कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, तो हम कहते भाई दृष्टांत तो हम हजारों दे दें, फायदा क्या, एक दृष्टांत भी तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो हजार दृष्टांत समझ में आ जाएगा। हमारे हम 14 दृष्टांत दे सकते हैं, मुख्य वेदांत की प्रक्रिया में मुख्य 14 दृष्टांत दिया जा सकता है अन्य अन्य चीजों के दृष्टिकोण से, लेकिन 14 दृष्टांत को परिपक्व यदि कर लिया आपने, सारा जगत मिथ्या हो जाएगा, अन्य दृष्टांत की जरूरत क्या रह जाएगा। और उत्कृष्ट विवेकी पुरुष के लिए एक ही दृष्टांत काफी है, बस एक दृष्टांत से वो समझ लेंगे। जैसे आप चावल पकाते हो, एक चावल को मसल के देखते हो कि सारे चावल मसल दे रहा हो कि पका कि नहीं पका, सब हलवा हो जाएगा, एक दृष्टांत समझ में सारा जगत मिथ्या हो जाएगा, अपने क्या जरूरत सबको जानने की, एक एक को जानने की। इसलिए कहते हैं आकाश की मिथ्यात्व और सत्य में सत्यत्व का वासना दृढ़ हो जाए शास्त्र द्वारा, उसी न्याय अनेन एव न्यायेन, जो प्रमाण जो युक्तियां दी गई है उन्हीं प्रमाण और उन युक्तियों के द्वारा वायुवादे वायुवादियों में भी सद्वस्तु, वायुवादियों को भी सद्वस्तु से या वायुवादियों से सद्वस्तु को अलग करके समझे, प्रविविच्यता वायुवादी से आत्मा को अलग कर रहे हो, तादात्म्य अध्यास हो रखा है, उसको अलग करके विवेचन करके समझनी चाहिए और समझाओ वायुवादी मिथ्या है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है। ननु आकाश कार्य से वायु और अकारण भूतेन सद्वस्तुना तादात्म्य प्रतीति अयोगात् स्वतो विवेचनम अप्रयोजकम इत्याशंक्य साक्षात संबंध भावेपि परंपरा संबंध अस्ति इत्याह। तब प्रश्न उठाए आकाश का कार्य वायोः अकारणभूतेन सद्वस्तुना, क्योंकि आप आकाश और सत का भेद किया, वहां तो उचित था
क्योंकि आकाश कार्य था, सत कारण था, है ना। कार्य और कारण को अलग करके दिखा करके एक की मिथ्यात्व और एक का सत्य स्थापित कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन आप सत्य और वायु को अलग करना क्यों चाहते हो? क्या सत्य और वायु में कार्य कारण भाव है? नहीं है ना, क्योंकि वायु किसका कार्य है? सत्य का क्या आकाश का है? आपके अनुसार आकाश का कार्य सत्य तो कार्य है, पर उसको अलग विवेचन करने के लिए क्यों बोल रहे हो हमको? वायु से सत को अलग कर विवेचन करो, क्यों आप कह रहे? आकाश कार्य से वायु, आकाश कार्य वायु है। अतः वायु का अकारणभूत सत वस्तु के साथ तादात प्रतीति अयोगा, तादात प्रतीति भी नहीं हो सकती। कार्य और कारण में तादात अध्यास हो सकता है ना, और जिन दोनों में कार्य कारण भाव ही नहीं है वह तादात अध्यास कैसे होगा? इसीलिए वहां विवेचन करने की जरूरत क्या रह गया? विवेचनम अप्रयोजकम, विवेचन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा इत्याशंक्य। तब कहते नहीं भाई, साक्षात भले संबंध नहीं है किंतु परंपरा संबंध आका वायु का सबके साथ है। क्योंकि आकाश है कहां? जब वायु का कारण आकाश कहां है? सत्य में है। जैसे आप भी अब कहां बैठे हो? पृथ्वी पर बैठे हो। कोई कहेगा पृथ्वी में कहां बैठे भाई? पृथ्वी तो 10 मंजिल नहीं, 10 सीढ़ी नीचे है, यहां से कम से 15 फुट नीचे है, हम पृथ्वी पर कहां है? तो आपको क्या कहना पड़ेगा? नहीं, परंपरा तुम पृथ्वी पर ही बैठे हो अभी भी, क्योंकि जो पीछे का जो 15 फुट है आकाश हवा में, हवा में तो कहीं लटके नहीं हो ना। बिल्डिंग है, उसका पिलर लगा हुआ है, वो धरती पर बैठा हुआ है, तद्वारा आप धरती पर ही हैं, परंपरा आप बैठे हुए। उसी प्रकार का तो यहां पर भी वायु है आकाश और आकाश है सत में, अच्छा वायु भी सत में ही है। साक्षात संबंध भाव परंपरा संबंध अस्तित्याह सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम वियत्तत्राप्येकदेश गतो वायु प्रकल्पितः। वास्तव में आत्मा में सीधे ही आकाश भी नहीं है, है ना। आपने पहले क्या सिद्ध किया है? पादोऽस्य भूतानि तत्त्वस्य अमृतम् द्वि, इस मंत्र के आधार पर आप रहे उस ब्रह्म में पाद की कल्पना करके एक पाद में माया है, उस माया का भी एक देश में वायु है, उस वायु का एक देश में आकाश, वायु का एक देश में आकाश है, आकाश के एक देश में वायु, वायु का एक देश में अग्नि, ये चल रहा है परंपरा। इसलिए सब किसकी में है? उसी सत्य में है। सत्य का ही एक देश में माया, माया का एक देश में आकाश, आकाश के एक देश में वायु, अतः परंपरा सभी सत में ही विद्यमान है। वही करे सद्वस्तुनी एक देश स्था माया, सद्वस्तु की एक देश में माया रहती है। तत्रैक देश गमयत, उस माया का भी संपूर्ण माया में आकाश नहीं है, उस माया का एक देश में ही वियत की परिणाम है। तत्रापि एक देश गतो, उस आकाश का भी एक देश में ही क्या है? वायु प्रकल्पित, वायु प्रकल्पित। इसके पुराण में क्या कहते हैं? पृथ्वी का 10 गुना जल है, जल का 10 गुना अग्नि है, अग्नि का 10 गुना वायु, वायु का 10 गुना आकाश, आकाश का 10 गुना प्रकृति माया, उसके 10 गुना आत्मा नहीं। यहां से 10 गुना कम या 10 गुना ज्यादा लिया जाता है माया तक, अरे नहीं, माया का 10 गुना ब्रह्म का 10 गुना फिर क्या है? प्रश्न उठेगा ना फिर, कहते नहीं ब्रह्म अनंत है, वो उसका 10 गुणा नहीं है। एवं सत वायु संबंध प्रदर्श, इस प्रकार सत्य और वायु का संबंध दिखा दिया गया। तयोर धर्म तो भेद ज्ञानाय वायु प्रत्यमान धर्मानाह, और धर्म का दृष्टि से भी क्या है? दोनों के धर्म अलग अलग है। जो सत्य का धर्म है वायु का धर्म वो नहीं है, वायु में जो धर्म है वो सत्य में नहीं है। यह दिखाने के लिए पहले आपको जानकारी देना पड़ेगा वायु में कौन से धर्म बताओ, फिर विचार करके देखो जो वायु में धर्म है वे धर्म क्या सत्य में है, और सत्य में क्या धर्म पहले बता चुके हैं, और वो वायु में है या नहीं देखिए।
इसके लिए आरंभ करने के लिए सबसे पहले वायु में जो धर्म रहते हैं उनका वर्णन करने जा रहे हैं। वायु में प्रतियमानान धर्मान आहा, वायु में जो जो धर्म प्रतीत होते हैं उन धर्मों को कथन करने जा रहे हैं। शोष स्पर्श गतिर्वेगो वायु धर्मा इमे मताहा त्रय स्वभाव सन्माया व्योम नाम ये ते पी वायुगा। शोष स्पर्श गतिर्वेगो वायु धर्मता, वायु में चार धर्म लोग मानते हैं। पहला धर्म है शोषण करना, सुखाने। सुखाने का कर्म केवल गर्मी से नहीं होता, वायु चलते तो जल्दी सूख जाता है। जैसे ठंडी में भी कपड़े क्यों सूख जाते, फिर गर्म तो है नहीं, कपड़ा सूख जाता है, हवा चल जाए सूख जाएगा। शोष स्पर्श, और दूसरा स्पर्श, तो स्पर्श होता है ना वो भी वायु का धर्म है, स्पर्श रूपा धर्म भी वायु का है, गति रूपा धर्म भी वायु का है, गति का कारण भी वायु है और वेग उसका भी कारण वायु ही है। वायु का धर्म है चार चीज, शोषण स्पर्शण गति वेग। इनके अलावा वायु के तीन स्वभाव दिखाई दे रहे हैं जो कि खुद का नहीं है, वो दूसरों से आया हुआ है। त्रय स्वभाव सन्माया व्योम नाम ये ते पे वायुगाहा। तीन स्वभाव वायु में आया हुआ है, कहां से? सत से, माया से और आकाश। सत से क्या आया है, माया से कौन सा धर्म आया, स्वभाव आया, आकाश का कौन सा स्वभाव आया है वायु में, वो बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। पहले श्लोक कर देखिए, एवं प्रातिस्विकान धर्मान अभिधाय। उसके अपना जो धर्म था प्रातिस्विक धर्म ने, अपना खुद का जो धर्म है कार्य का, क्या था वो? शोष स्पर्श गति। अब कारण प्राप्तान स्थाना, कारणों से आया हुआ जो धर्म है उनको वर्णन करने जा रहे हैं। क्या? त्रयी, तीन चीज आया हुआ है कारणों से, कारणों से तीन चीज आया हुआ है, त्रयी सन माया व्योम नाम। इसे कारण के कितने हैं? तीन कारण वायु का। पहला कारण है आकाश, अति समीपता, उसका भी कारण माया भी वायु का कारण है और वह भी सत्य जो वो भी वायु का कारण है। इन तीनों कारणों से कुछ न कुछ कार्यभूता वायु में आ रहा है। ये त्रयः सन माया व्योम नाम, ये त्रयः स्वभाव शील विशेषः धर्माः ते भी वायुगाः वायु विद्यन्ते, वे भी वायु में विद्यमान है ऐसा समझो। केते धर्मा इत्यतः, वे धर्म कौन है? तब कहते हैं वायुरस्तीति सद्भाव सतो वायो पृथक हृदय निस्तत्रूपता माया स्वभाव व्यमगो ध्वनि। वायुरस्ति इति सद्भाव, वायु अस्ति बोलते हो नहीं बोलते हो, ये अस्ति कहां से आया वायु में? सत का धर्म आया हुआ है, सतो वायु पृथक हृदय, और सत को वायु को अलग अलग, सत से वायु को जब अलग कर दोगे, अलग कर दो वायु में क्या रह जाएगा? निस्तत्व हो जाएगा, वो असद रूप हो जाएगा। और निस्तत्वता जो वायु में आई है वो माया का धर्म, निस्तत्रूपता सतो वायु पृथक हृदय, सत से वायु को पृथक कर देने पर जो निस्तत्रूपता आ जाती है वायु में वो माया स्वभाव। और वायु में क्या है? आकाश का धर्म व्योमगो ध्वनि ही, जो आकाश का धर्म था ध्वनि वो आ गया वायु में भी, है ना, सी करके चलता है वायु, पहले दिया था दृष्टांत सी सी थी वायु। इसे तीन धर्म आ गया ना, अस्तित्व आ गया सत का धर्म है, निस्तत्वता या माया का धर्म है और ध्वनि आकाश का धर्म आया। वायुरस्तीति व्यवहार है तो सद्रूपत्वम सद्वस्तुनो धर्म एक। वायुरस्ति ऐसा जो व्यवहार के कारण जो सद्रूपत्व है वह सद्वस्तु का धर्म है, और पहला धर्म समझो जो सत्य है हुआ वायु सद्वस्तुनो विवेचित है, और वायु को सद्वस्तु से अलग करके पृथक करके जब विवेचन करोगे तो यन निस्तत्रूपत्वम
जो वायु में निस्तत रूपता सिद्ध हो जाता है स माया धर्मो द्वितीय, और माया का धर्म है वो दूसरा स्वभाव है जो कारण से आया हुआ। और शब्दो व्योमनः सकाशाद आगतो, और ये शब्द कहां से आया? व्योमनः माने आकाश से आया हुआ है धर्म, वो तीसरा धर्म है। कुल वायु में कितना हुआ सिर्फ धर्म? सात धर्म हो गए, खुद का चार, कारणों से आया हुआ तीन, सप्त धर्म हो गया वायु। ननो व्योम विवेचन प्रस्ताव है, लेकिन पहले आपने कहा था वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, ये तो कहा ना पहले वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं जो सत की अनुवृत्ति है। और यहां आकर कहते हो ध्वनि आ गया है आकाश से, विरोध नहीं हो रहा है, पूर्व पक्ष को लग रहा है विरोध है, लेकिन हम समझाएंगे नहीं भाई, वह हमने आकाश की अनुवृत्ति का निषेध किया, और अब जो आ रहा है बोल रहा हूं, किसको आ रहा है बोल रहा हूं, आकाश की अनुवृत्ति आई नहीं बोला, आकाश का धर्म की अनुवृत्ति को रहा हूं, धर्मी की अनुवृत्ति नहीं है, है? क्या आकाश में कैसे जा रहे, उल्टा रास्ते जा रहे हैं आप? पहले आपने पहल लिया ना, तो आकाश में अवकाश था, अवकाश तो धर्म था, लेकिन वायु का धर्म क्यों नहीं आया? वायु का कार्य कारण थोड़ी है आकाश, मैंने आकाश जो है वायु का कार्य है क्या? फिर कैसे जाएगा आकाश में? वायु का धर्म नहीं जा सकता, वायु में आकाश का धर्म आ सकता है, क्योंकि वायु आकाश का कार्य है। हमेशा कारण का धर्म कार्य में आता है, कार्य का धर्म कभी कारण में जाता नहीं। वो जो पंचीकरण हुआ वो चीज अलग, वो बनना होता है ना? वो बनना अलग चीज है, वो तो भौतिक सृष्टि में चला गया ना, हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पहले तो अपंचीकृत पंचभावतों में विवेचन कर दो, मिथ्या जगती सिद्ध हो जाएगी। जब अपंचीकृत पंच महाभूत ही मिथ्या है, उनका पंचीकरण सत्य कैसे हो जाएगा? तो पंचीकरण में होता है ना, वायु कांश जल कांश सारे कांश आकाश में चला गया, भूत आकाश हो गया, वो तो पंचीकरण के बाद की बात है, लेकिन पंचीकरण से पहले विवेचन कर लो ना, वहां क्या रह जाता है? आकाश आदि मिथ्या रह जाता है, मिथ्या वस्तुओं का पंचीकरण किया तो मिथ्या ही तो रहेगा, होती वो सत्य कैसे हो जाएगा? इसलिए पहले की बात कर रहे हैं, अपंचीकृत अवस्था में ही विवेचन कर लेना। ननु व्योम विवेचन प्रस्ताव है, आकाश की विवेचन करते वक्त आपने जो है ना वायुवाच अनुवृत्तम सत न तो व्योमे की भेद दी, ऐसे 67वीं कारिका में कहा था वायुवादियों में अनुवृत्त सत्य और आकाश जो अनुवृत्त नहीं होता, ऐसा भेद ज्ञान कर लेना, ये कहा था। इत्यत्र वायुवाद आकाश अनुवृत्ति निवारित, वायु में आकाश की अनुवृत्ति को निषेध किया था, और आप इधानी व्योमानुवृत्ति विधीयते आकाश की अनुवृत्ति कह रहे हो, अतः पूर्वोत्तर विरोध हो। 67वां श्लोक और 80वां श्लोक में दोनों में विरोध हो गया, ऐसा आशन करने के जवाब देते नहीं नहीं, सतो अनुवृत्ति सर्वत्र व्योमनो नेति पुरे रितम व्योमानुवृत्तिर्धुना कथम न व्याहतम वचः। पूर्व पक्ष का श्लोक है, पूरा श्लोक यहां जवाब नहीं है, अगले श्लोक में जवाब है। सतो अनुवृत्ति सर्वत्र व्योमनो नेति पुरा ईरितम, पहले आपने कहा था सत की अनुवृत्ति सर्वत्र होता है और आकाश की अनुवृत्ति सर्वत्र नहीं होता, और अधुना अब 80वां श्लोक में अगर आप क्या कह रहे हो? व्योमानुवृत्ति ही आकाश की अनुवृत्ति कह रहे हो। कथम न व्याहतम वचः, पूर्वोत्तर वचनों का व्याहति दोष क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? कैसे नहीं होगा? मैंने अवश्य ही हो रहा है, दोष है यहाँ, ऐसे जब पूर्व पक्ष ने कहा तो जवाब दे रहे नहीं नहीं, व्योमानुवृत्ति अर्थना उच्चते इति शेष। पूर्वम अवकाश लक्षण स्वरूप अनुवृत्ति निवारिता, पहले हमने किसका निवारण किया अनुवृत्ति का? अवकाश स्वरूप वाला आकाश की अनुवृत्ति को हमने निषेध किया। आप जो अनुवृत्ति कह रहा हूं किसकी? इदानीम धर्मानुवृत्ति रेव विधीयते न तो स्वरूपानुवृत्ति ही, हम आकाश के धर्म ध्वनि की अनुवृत्ति का कथन कर रहा हूं, आकाश का स्वरूप अवकाशत्व छिद्रत्व उसकी अनुवृत्ति का कथन नहीं कर रहा, धर्मी स्वरूप का अनुवृत्ति नहीं, धर्म में जो धर्म मात्र की अनुवृत्ति हो रही है, धर्मानुवृत्ति होने का तात्पर्य धर्मी की अनुवृत्ति नहीं है। जैसे आपने जो रख दिया है मान लो एक चंदन का टुकड़ा, हम कहेंगे कपड़ा में चंदन की अनुवृत्ति नहीं है,
कपड़े में चंदन की अनुवृत्ति नहीं हो रही है। फिर कहता हूं कपड़े में चंदन का सुगंध आ गया, चंदन तो नहीं आया ना कपड़े में, चंदन का धर्म सुगंध कपड़े में अनुवृत्त हो गया। चंदन का धर्म बिना धर्मी का अनुवृत्त हुए धर्म मात्र की अनुवृत्ति हुई कि नहीं हुई? चंदन घुस गया क्या कपड़े में? नहीं, चंदन का सुगंध घुस गया कपड़े में। अतः लोक में देखने को मिलता है धर्मी का अनुवृत्ति हुए बिना धर्म मात्र की अनुवृत्ति हो सकती है यथा तथा। यहां पर भी हम कह रहे हैं, यहां पर भी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि आकाश में धर्मी का अनुवृत्ति को हम निषेध किया पहले, और अब आकाश के धर्म मात्र की अनुवृत्ति का कथन कर रहा हूं। इसे परस्पर कोई विरोध नहीं है, व्याहति दोष नहीं है। अतो न व्याहति परिधि छिद्रानुवृत्तिर्नेति पूर्वोक्तिरधुनात्यम शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहति कुतः। छिद्र की अनुवृत्ति नहीं होती है यह मैंने पहले कहा था, और अब तो अधुना तो यम शब्दानुवृत्ति रेवोक्ता शब्द की अनुवृत्ति मात्र कहा हो, इसे मेरे वचनों में व्याहति कहां है बताओ? अर्थात नहीं है।